हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एफल इंडिया के बारे में। एफल इंडिया में देखिए दोस्तों, आज भी हमको अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही है, साथ ही साथ मैनेजमेंट की भी दोस्तों यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव कॉमेंट्री निकल के सामने आ रही है। तो क्या है ये अपडेट्स, आपको पूरा दोस्तों यहाँ पर डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ दोस्तों बने रहिएगा, आपको कुछ यहाँ पर मैं अच्छी इंसाइट्स भी देने वाला हूँ, तो काफ़ी आपके लिए यहाँ पर हेल्पफुल होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव कंटेंट एंड अपडेट्स के लिए। तो अगर आज की बात करें तो देखिए दोस्तों, करीब हमको 3.5% की यहाँ पर अच्छी जो है तेजी देखने को मिली। पिछले कई टाइम से हमको अच्छी खासी इसमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन अगर आप देखें तो 4200 का बॉटम बनाने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर एक ये ऊपर की चाल पकड़ रहा है, मतलब कि 9% के आसपास हमको 1 जुलाई से लेकर अभी तक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। 4200 का यहाँ पर इसका एक बॉटम आई थिंक यहाँ पर बन चुका है। अभी टेक्निकल चार्ट पे भी दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो पहली खबर पे चलते हैं। देखिए पहली खबर क्या है जो कि दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी की दो खबरें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी पहली है, ठीक है। तो ये है दोस्तों आज का, आप देख सकते हैं ऑफिशियल लेटर जो एक्सचेंज पे यहाँ पर एफएल ने फाइल किया है। तो उन्होंने क्या बोला है, देखिए, पर्सुएंट टू दी अबव मेंशन रेगुलेशंस प्लीज फाइंड एनक्लोज द कॉपी ऑफ प्रेस रिलीज टाइटल्ड एफएल स्ट्रेंथन इट्स टेक आईपी पोर्टफोलियो। मतलब कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं दोस्तों, यहाँ पर कॉपी राइट्स होते हैं, उसका यहाँ पर इन्होंने और स्ट्रेंथन किया है। वो कैसे, चलिए आगे यहाँ पर हम पढ़ते हैं। देखिए, एफएल इंडिया लिमिटेड थ्रू इट्स सब्सिडरीज टुडे अनाउंस दैट कंप्लीशन ऑफ पेटेंट ट्रांसफर फ्रॉम एपनेक्स्ट लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स टू एफएल एमईए एफजी एलएलसी एंड इनडायरेक्ट होली ओन सब्सिडरी ऑफ द कंपनी। दिस पेटेंट फाइल्ड इन द यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस इज रिलेटेड टू द प्रेडिक्टिव मॉडलिंग ऑफ मोबाइल यूजर बिहेवियर्स एंड पावर्ड द ऑन डिवाइस ऐप रिकमेंडेशन एंड टाइम एंड टाइमलाइन टेक्नोलॉजी। तो ये दोस्तों यहाँ पर ये पेटेंट जो था इन्होंने फाइल किया है, इसका जो फाइल किया था ट्रांसफर फ्रॉम एप नेक्स्ट लिमिटेड टू द ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, यहाँ पर दोस्तों इसका कंप्लीशन अनाउंस कर दिया है एफएल इंडिया ने। तो ये प्लेटफॉर्म और ये जो पेटेंट है दोस्तों, इनको यहाँ पर एक एज प्रोवाइड करेगा किस चीज़ में, देखिए, मोबाइल यूजर बिहेवियर एंड पावर्स द ऑन डिवाइस ऐप रिकमेंडेशन एंड टाइमलाइन टेक्नोलॉजी। तो ये टेक्नोलॉजी में एक काफ़ी अच्छा इनका दोस्तों अब एज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब कंप्लीशन हो चुका है, पेटेंट इनको मिल चुका है, यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इनको अब मिल चुके हैं। देखिए, पेटेंट, दिस पेटेंट सर्व्स एज ए बेसलाइन टाइम सेंसिटिव टेक्नोलॉजी फॉर एप्पल टू ड्राइव इनोवेटिव ऑन डिवाइस एप्स डिस्कवरी एंड रेलेवेंट रिकमेंडेशंस। इट इनेबल्स मोबाइल यूजर टू एफिशिएंटली डिस्कवर एप्स एंड सर्विसेज व्हेन नीडेड, दस क्रिएटिंग एन ऑलवेज कनेक्टेड एंड डीपली एंगेजिंग कंज्यूमर एक्सपीरियंस। एप्पल हैज बीन फ्रंट रनर इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी विद इट्स प्लेटफॉर्म डिलीवरिंग इंटीग्रेटेड इन ऐप ऑन डिवाइस प्रॉक्सिमिटी मार्केटिंग एक्सपीरियंस एंड न्यू इनोवेशन टुवर्ड्स कनेक्टेड टीवी। मतलब कि दोस्तों आपको याद हो, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सी टीवी, मतलब कि कनेक्टेड टीवी, जो कि स्मार्ट टीवीज होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा एप्पल फायर स्टिक, जो अमेजोन फायर स्टिक हो गया, एप्पल टीवी हो गया, एमआई टीवी हो गया, ये सारे कनेक्टेड टीवी हैं जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होकर चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक अच्छा खासा ट्रेंड हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है फ्यूचर में, जो कि बात देखिए यहाँ पर भी कर रहे हैं। और आपको अगर पिछला वीडियो आपने देखा है दोस्तों, उसमें मैंने आपके साथ ये क्लियरली आपको बताया था कि ज़ैम्प यहाँ पर कोई मैटर नहीं था तेजी का, उसके पीछे रीज़न था दोस्तों कनेक्टेड टीवी में यहाँ पर इन्होंने एक दूसरी एंटिटी है उसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप की थी। अब यहाँ देखिए सीईओ का क्या कहना है, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है। दिस फर्दर स्ट्रेंथन्स आर ग्लोबल आईपी पोर्टफोलियो एंड कवर्स सेलियंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर टेक एंड प्लेटफॉर्म ऑफरिंग्स पावरिंग दी मोबाइल फर्स्ट कनेक्टेड इको सिस्टम। वी हैव एक्टिवली फॉस्टर्ड ए कल्चर ऑफ इनोवेशन, कंसिस्टेंटली स्टेड अहेड ऑफ द कर्व विद क्रेडिबल टेक इनोवेशन। वी कंटिन्यू टू बिल्ड ऑन दीज स्ट्रेंथ्स टू सिग्निफिकेंटली एनहेंस आर कंपेटिटिवनेस, बिल्ड ग्रेटर स्ट्रेटेजिक डिफेंसिबिलिटी एंड ड्राइव यूजर एंगेजमेंट स्पैनिंग द एंटायर ऑन स्क्रीन कंज्यूमर लाइफ साइकिल टू पावर ऑन एम्बिशन ऑफ रीचिंग। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, 10 बिलियन कनेक्टेड डिवाइसेज, जैसा कि हम कई बार बात कर चुके हैं, यहाँ पर दोस्तों इनका जो एम्बिशन है 10 बिलियन कनेक्टेड डिवाइसेज तक पहुँचने का फ्रॉम एफएल 2.0 ग्रोथ स्ट्रेटजी। तो यहाँ पर दोस्तों ये एंगेजमेंट, ये जो जितने भी एक्विशन हैं, ये जो पेटेंट इनको मिल रहे हैं, कंप्लीशन हो रहे हैं दोस्तों, इनके जो नेक्स्ट एम्बिशंस हैं उनको यहाँ पर पूरा करती हुई नज़र आएगी एक डेफिनेटली दोस्तों। ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये जो प्लेटफॉर्म है, जो कनेक्टेड इकोसिस्टम है, ये इनके लिए काफ़ी एक अच्छा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक आप कह सकते हैं पार्टनरशिप ये कर रहे हैं इसके लिए। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो डेफिनेटली एफएल दोस्तों एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हमको फ्यूचर में होता हुआ देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देखिए जो इनका एम्बिशन है, अभी भी ये इंटैक्ट बता रहे हैं। आपको पता है दोस्तों यहाँ पर क्या मार्केट में न्यूज़ चल रही है, कि भैया जो ये डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी आ रही है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर काफ़ी प्रेशर में आ सकता है एफएल, लेकिन स्टिल आप देखेंगे मैनेजमेंट का यहाँ पर दोस्तों कॉन्फिडेंस देखिए, अभी भी अपने
जो एम्बिशन है उस पर यहाँ पर डेफिनेटली अभी भी उस स्ट्रेटेजी पे यहाँ पर टिके हुए हैं और उसके लिए अभी भी कॉन्फिडेंट है। जैसा कि आप यहाँ पर पूरा यहाँ पर मैनेजमेंट ने जो बोला है, जो इनके सीईओ ने बोला है, उसको आप पढ़ सकते हैं। अब जो चार्ल्स यंग हैं, जो चीफ आर्किटेक्ट है, टेक्नोलॉजी ऑफिसर, उन्होंने क्या कहा, देखिए, और इनोवेशन एंडेवर्स आर फोकस्ड ऑन बिल्डिंग कस्टमर सेंट्रिक टेक्नोलॉजीज दैट हैव द ग्लोबल अपील। वी कंटिन्यू टू फोर्टिफाई आवर एफर्ट्स इन एक्सपेंडिंग द ब्रेथ ऑफ आर आईपी एसेट्स एंड डिलीवर रियल टाइम ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट अक्रॉस द एंटायर एडटेक वैल्यू चेन। वी लुक फॉरवर्ड टू फर्दर लेवरेजिंग आर आईपी पोर्टफोलियो टू ड्राइव सस्टेनेबल बिजनेस इंपैक्ट। तो काफी पॉजिटिव है, देखिए यहाँ पर इन्होंने देखिए और क्या बोला है। अब यहाँ पर दोस्तों 19 पेटेंट हो चुके हैं, ठीक है, अक्रॉस इंडिया, यूएस, सिंगापुर पेटेंट ऑफिस एफएल के पास, ठीक है। इट हैज 3 पेटेंट्स ग्रांटेड इन द एरियाज ऑफ कंज्यूमर एक्सेप्टेबल एडवर्टाइजमेंट इन द यूएस, वाइल 16 पेटेंट्स आर फाइल्ड एंड पेंडिंग। तो अभी भी दोस्तों 16 जो पेटेंट्स हैं अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसमें से अगर मैं आपको बताऊं कुछ नाम, तो देख सकिए फ्यूचरिस्टिक यूज केसेस ऑफ ड्राइविंग, ये कुछ पेंडिंग केसेस हैं। बेस्ड एंगेजमेंट्स, वर्नाकुलर वॉइस बेस्ड इंटेलिजेंस, कन्वर्सेशनल मार्केटिंग, ऐप रिकमेंडेशन टाइमलाइन एंड एड फॉर प्रिवेंशन। तो ये अभी भी पेटेंट आने बाकी हैं, तो इनका पेटेंट भी आएगा दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि एप्पल की एक और ज़्यादा मजबूत पकड़ यहाँ पर हो जाएगी इस मार्केट में, जहाँ पर एप्पल ऑलरेडी लीडर है। और जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, एप्पल और ज़्यादा इकोनॉमीज में अपने आप को, मतलब कि ज्योग्राफीज में अपने आप को एक्सपेंड करने जा रहे हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। तो ये है दोस्तों पहली न्यूज़, बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, जहाँ पर मिस्टर अनुज खन्ना सोहम ने काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो इनका एम्बिशन है दोस्तों उसको लेकर अभी भी देखिए इनका स्टांस काफ़ी पॉजिटिव है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। चलिए ये थी पहली और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़। सेकंड चलते हैं न्यूज़ पे, वो है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर खान ने 6580 का टारगेट दिया, मतलब कि दोस्तों जिसका ऑल टाइम हाई है उससे भी कई ज़्यादा ऊपर। तो यहाँ पर टारगेट क्यों दिए हैं, इसके बारे में आपको दोस्तों मैं पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, जहाँ पर इन्होंने जैम का एक्वेशन किया था और मैंने आपको यहाँ पर क्लियरली बोला था कि इनके जैम के एक्वेशन के बाद क्या होगा, डेफिनेटली इनके बिट्टा मार्जिन जो है दोस्तों यहाँ से बढ़ेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर खुद पढ़ सकते हैं, देखिए एफएल इज कॉन्फिडेंट ऑफ एक्सपेंडिंग जैम इविटा मार्जिन टू हाई सिंगल डिजिट विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर। तो यहाँ पर मार्जिन वुड इम्प्रूव टू कंपनी लेवल अराउंड 25-27% बाय एफआई 2024 एंड मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट ऑफ क्लॉकिंग 25-30% सीएजीआर। ये सारी बातें दोस्तों आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आज शेयर खान यहाँ पर सेम चीज़ बोल रहा है। अगर आपको पता है, पिछला वीडियो आपने देखा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सारी चीज़ मैं आपको ऑलरेडी पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ। आउटलुक देखिए इनका है 6580 का यहाँ पर टारगेट दिया है, गिवन स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ पोटेंशियल इन ऑर्गेनिक एक्सपेंशन इनटू न्यू मार्केट्स। जैसा अभी मैंने बात करी, एक्सपेंशन ये करने वाले हैं नई ज्योग्राफीज में, एक्सपेंड करने वाले हैं जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, एंड प्रेजेंस ऑफ हाई ग्रोथ मार्केट्स, ठीक है। ये है दूसरी न्यूज़, अच्छे खासे टारगेट यहाँ पर दिए हैं शेयर खान ने 6580 के। अब यहाँ पर दोस्तों थर्ड क्या है, थर्ड देखिए दोस्तों यहाँ पर अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसी न्यूज़ आ रही है कि यहाँ पर इंसाइडर्स ने 1,00,000 रुपए के शेयर्स खरीदे हैं। इंसाइडर कौन है, इंसाइडर्स दोस्तों यहाँ पर है मानस हथी। अब मानस हथी कौन है, इसने देखिए पहले सबसे पहले देखते हैं कितने के प्राइस पे यहाँ पर शेयर खरीदा है, करीब 4,300 के आसपास इसने शेयर बाय किए हैं और जो है 4,200 का आपको पता है लो बनाया था एफएल इंडिया ने अभी 1 जुलाई के आसपास। अब ये मानस हथी कौन है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा रिसर्च किया और मैंने लिंक्डइन पे जाकर देखा, तो ये मानस हथी जो हैं एसोसिएट डायरेक्टर हैं दोस्तों मीडिया एक्विजिशन एंड पार्टनरशिप एट एफएल। तो एफएल में ये मीडिया एक्विजिशन एंड पार्टनरशिप एसोसिएट डायरेक्टर हैं मानस हथी। और अगर लिंक्डइन पे आप जाके देखें तो यहाँ पर देखिए द मोनेटाइजेशन गाय B2B एड टेक प्रोडक्ट एंड सेल्स स्ट्रेटेजी। तो एफएल के साथ दोस्तों ये जुड़े हुए हैं और इन्होंने 1,00,000 रुपए के शेयर यहाँ पर बाय किए हैं। हालांकि देखिए 1,00,000 रुपए के शेयर बाय किए, ऐसा नहीं दोस्तों 1,00,000 शेयर्स बाय किए, 1,00,000 रुपए के शेयर्स बाय किए, मतलब कि अगर 4,300 रुपए इन्होंने खरीदे हैं तो 1,00,000 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो देखिए कितना आता है, कितना आएगा, ठीक है, 100 शेयर के आसपास दोस्तों, 100 शेयर भी नहीं, मतलब कि 25 शेयर के आसपास मान लीजिए कि आप इन्हें खरीदे हैं, 25 शेयर के आसपास इनको यहाँ पर इन्होंने बाइंग करी है। तो इंसाइडर बाइंग है, इतने बड़ा कोई ज़्यादा हैवी वॉल्यूम नहीं है, लेकिन आप देखेंगे स्टिल यहाँ पर बाइंग करिए, तो मतलब अगर इंसाइडर बाय करता है दोस्तों एक पॉजिटिव चीज़ है, जो कि आप यहाँ पर देखिए और इसके बारे में रिसर्च कीजिए दोस्तों, आपके लिए भी थोड़ा होमवर्क होना चाहिए। आप भी जो है निवेशक हैं एफएल में, एफएल के शेयर होल्डर हैं, लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, तो थोड़ा इस पर रिसर्च कीजिए। यहाँ पर मैंने देखा, जितना मैंने देखा यहाँ पर इतना, तो आप भी इसके बारे में और रिसर्च कीजिए और पता लगाइए क्या ये सही है कि नहीं। हालांकि न्यूज़ तो आ रही है भैया, ठीक है, न्यूज़ आ रही है तो आपको बताना मेरा यहाँ पर दोस्तों फ़र्ज़ है, क्योंकि यहाँ पर एफएल के बारे में कंटिन्यूस वीडियो बना रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर बताना ज़रूरी है। टेक्निकल चार्ट पे बात करें तो जैसा हमने दोस्तों यहाँ पर आपको बताया था कि एक बेस बन रहा है, ठीक है, ये एक बेस था, यहाँ पर सेकेंड बेस ये था,
तो यहाँ पर बेस लेके वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। हालांकि अभी भी ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ है, लेकिन जैसा कि न्यूज़ आ रही है दोस्तों, बाइंग होती जा रही है, थोड़ी थोड़ी बाइंग यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ी थोड़ी बाइंग यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर निचले स्तरों पर माल उठाया जा रहा है, मैनेजमेंट यहाँ पर कॉन्फिडेंट है, नए जो पेटेंट फाइल किए थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, अनाउंसमेंट कर दी है। 16 पेटेंट अभी भी पेंडिंग पड़े हैं, US में 3 पेटेंट्स इनके कंप्लीट हो गए हैं। तो समझ सकते हैं काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही हैं इसके साथ। एक ये जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, पॉलिसी है, इसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर प्रेशर में ज़रूर आया है दोस्तों एफएल का शेयर, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि जिस प्रकार इनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, कैपेसिटीज़ हैं, जिस प्रकार से मार्केट शेयर है, जिस प्रकार से इनकी एक्वेशन है, डेफिनेटली दोस्तों ये कंज्यूमर बिहेवियर को और ज़्यादा यहाँ पर रीड करेंगे, और इनके पास इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप है दोस्तों, डेफिनेटली ये एक स्ट्रीम नहीं तो दूसरे स्ट्रीम से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, कनेक्टेड टीवी, यहाँ पर दोस्तों स्मार्ट टीवी की ट्रेंड बहुत तेज़ी से बदल रही है, और कितना मार्केट शेयर यहाँ से बढ़ सकता है आने वाले फ्यूचर में, ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर आपके लिए सारी न्यूज़ मैंने कवर कर ली, और अगर आप बने हुए एफएल में तो जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, बने रहिए, कोई घबराने की बात नहीं है, बाय करना है ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल हो तभी बाय करेंगे, तब भी आप कर सकते हैं, ट्रेंड रिवर्सल होगा इसका करीब 4700 के पार। लेकिन जिसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है, जिसके पास कन्विक्शन है, अभी बाय कीजिए, बिना कुछ सोचे समझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप दोस्तों ये एनालिसिस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, और आपका क्या मानना है दोस्तों, यहाँ पर क्या थॉट्स हैं, फीडबैक हैं, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, वी वुड बी रियली हैप्पी टू नो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।